जय हिंद। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी ने सेलर के लिए बंपर वैकेंसीज निकाली है, जो कि क्लास 10th पास अविवाहित युवाओं के लिए है। आज हम इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, साथ में इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फी, अप्लाई कैसे करें, लास्ट डेट क्या है। सभी इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जॉब डिटेल्स की। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 300 है। जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है वो है इंडियन नेवी का। जिस पोस्ट के लिए वैकेंसीज है वो है सेलर। तीन तरह की वैकेंसीज है, सेफ, स्टीवर्ड और हाइजीनिस्ट के लिए वैकेंसीज है। तीनों पोस्ट के लिए जो जॉब डिटेल्स है वो स्क्रीन पे दिया हुआ है। इंडियन नेवी के सैलरी यानी पे स्केल की बात करें तो बहुत अच्छी सैलरी इन्हें मिलती है। शुरुआती दौर में जब आपका ट्रेनिंग चल रहा होगा उस समय आपको 14,600 रुपये प्रति माह तक की सैलरी मिलेगी। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी आपको लेवल 3 की सैलरी मिलेगी, जिसमें 21,700 से 69,100 रुपये और साथ में 5,200 रुपये का ग्रेड पे भी मिलेगा। इसमें प्रमोशन भी आपको मिलेगा। प्रमोशन के बाद आपको लेवल 8 की सैलरी मिलेगी, जो कि 47,600 से 151,100 रुपये होगा और साथ में 5,200 रुपये प्रति माह डीए चार्जेस भी आपको मिलेंगे। इंडियन नेवी सेलर के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके मुख्य 4 स्टेजेज हैं। सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा, फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। इसके डिटेल्स आगे अवेलेबल हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे होगा और इसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 300 सीट्स के लिए मात्र 1500 लोग ही इसके लिए सेलेक्ट होंगे। 1500 का सिलेक्शन जो होगा वो आपके 10th मार्क्स के बेसिस पे होगा और 1500 लोग ही आप इसमें रिटन टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए अलाउड किए जाएंगे। रिटन एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो इसमें आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको आधे घंटे का यानी 30 मिनट का समय मिलेगा। एक सही जवाब होने पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा और एक गलत जवाब होने पर 0.25 मार्क्स यानी 1/4 मार्क्स आपके कट जाएंगे। आपके प्रश्न साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज से होंगे। आगे इसके सिलेबस भी हैं। सभी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे और बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पीईटी एग्जाम की बात करें तो आपको जो दौड़ना है वो 1.6 किलोमीटर 7 मिनट्स में दौड़ने होंगे। स्क्वाट्स जो है वो 20 यानी 20 करने होंगे और पुशअप्स जो है वो 10 यानी 10 करने होंगे। इससे कम करने पे या इससे ज्यादा समय लेने पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इंडियन नेवी सेलर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो कैंडिडेट का एज मिनिमम 17 साल और मैक्सिमम 20 साल होना चाहिए। आपका जन्म 1 अप्रैल 2002 से मार्च 31 2005 के बीच में होना चाहिए, दोनों डेट काउंट होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका मैट्रिकुलेशन पास होना अनिवार्य है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। वहीं हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और चेस्ट 5 सेंटीमीटर तक एक्सपेंशन होना अनिवार्य है। वेट जो है वो हाइट के अकॉर्डिंग होगा। वही विजुअल स्टैंडर्ड की बात करें तो 6x6 होना चाहिए। इंडियन नेवी के सेलर के सिलेबस की बात करें तो साइंस में आपके प्रश्न नेचर ऑफ मैटर्स, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, साउंड एंड वेव, मोशन, हीट एंड टेम्परेचर, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके बाद स्पेस एंड यूनिवर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। क्लास 10th लेवल के साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ें। वहीं मैथ्स में आपके प्रश्न रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्री से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अवार्ड्स एंड ऑनर, स्पोर्ट्स न्यूज, करंट अफेयर्स, इंडियन नेवी से रिलेटेड जो फैक्ट्स और न्यूज है उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। एक साल का करंट अफेयर्स जो है वो इंडिया और इंटरनेशनल बहुत अच्छे से पढ़ें। आप ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पे जाएं, वहां पे नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसको बहुत अच्छे से पढ़ें।
उसके बाद जो लिंक अवेलेबल होगा वो 29 अक्टूबर 2021 से लिंक अवेलेबल होगा। लिंक पे क्लिक करें, अप्लाई करें, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना नेसेसरी डिटेल्स भरें, फोटो सिग्नेचर अपलोड करें स्कैन करके, फिर आप फी पेमेंट करें। फी जो है वो 60 रुपया प्लस GST है। और जब फी पेमेंट करने के बाद आप सबमिट करें, सबमिट करने के बाद PDF सेव करके जरूर रखें। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 2 नवंबर 2021 है, इससे पहले फॉर्म को अवश्य भर लें।